वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत, खापा सड़क पर हुई दुर्घटना, वाहन चालक फरार। गोंदिया तक बढ़ाया जाएगा समृद्धि महामार्ग, तैयार किया जा रहा है प्रारूप। और जरीपटका में लगी आग को देखने पहुंची एनबीसीसी की टीम, दुकानदार को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर ग्रामीण खापा सड़क पर दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो जाने का मामला सामने आया है, जबकि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गया है। नागपुर ग्रामीण के खापा सड़क पर शुक्रवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक दुपहिया वाहन चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम कोमल गणेश तरहाने बताया जा रहा है, जो दहेगांव जोशी का रहवासी था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कोमल ने जगह पर ही दम तोड़ दिया, जबकि इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। हादसे के बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं खापा पुलिस उस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल MSRDC ने मुंबई से नागपुर समृद्धि महामार्ग अब गोंदिया तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार नागपुर से गोंदिया के दौरान विस्तारीकरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा। सलाहकार कंपनी की नियुक्ति करने के लिए जल्द ही निविदा निकाली जाएगी। उल्लेखनीय है कि नागपुर से गोंदिया महामार्ग 150 किलोमीटर का सफर है। इसका विस्तारीकरण होने से मुंबई से गोंदिया के दौरान सफर करते समय कुछ घंटे कम हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुंबई से नागपुर का सफर लगभग 8 घंटों में तय करने के लिए कुल 701 किलोमीटर समृद्धि महामार्ग का निर्माण किया जाएगा। अब तक इस प्रकल्प का 75% काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें से नागपुर से शिरडी तक प्रथम चरण में 90% से अधिक काम पूर्ण हो गया है। इस प्रकल्प की व्याप्ति बढ़ाकर इसका लाभ अधिक से अधिक नागरिकों, गांवों तथा जिलों को हो, इस दृष्टि से भी MSRDC की ओर से प्रयास जारी है। ऐसे में समृद्धि महामार्ग का जालना से नांदेड़ इस तरह तकरीबन 200 किलोमीटर विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। विस्तारीकरण का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अब समृद्धि महामार्ग का नागपुर से गोंदिया तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इस बारे में कुछ अधिक नहीं बताए जाने की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई है। इस प्रकल्प का व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा, काम के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही जल्द ही निविदा निकाली जाएगी। अध्ययन होने के बाद ही महामार्ग कितनी लंबाई का होगा, इसके लिए कितनी राशि खर्च होगी। जरीपटका में सदगुरु ड्रेसेस में भीषण आग लगने से दुकान जल के खाक हो गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाया गया। NVCC के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया ने उनके सहयोगी के साथ पीड़ित दुकानदार से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आह्वान किया। आज 2 तारीख को जरीपटका क्षेत्र में, 2 दिसंबर को जरीपटका क्षेत्र में सदगुरु कश्मीर में जो फायर हुआ है, गंगा नदी, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे हमको सीख लेना है। हमको मौके पर ये पता चला है कि दुकान का इंश्योरेंस नहीं था, बैंक लोन के कारण एक मिनिमम इंश्योरेंस था। मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, ये अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है। इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस बोले तो एक हमारा परिवार का आदमी खड़ा हमारे ऊपर साया है, ऐसा समझिए और आप अपना इंश्योरेंस कराइए। जनरली इंश्योरेंस हमको खुद का, मकान का, दुकान का, सभी चीजों को कराना चाहिए। नमस्कार, आज 2 दिसंबर को जरीपटका दुकानदार संघ के माध्यम से हमने मेन बाजार के अंदर में जो कल रात को गंगा लगी थी, न्यू सदगुरु कश्मीर के अंदर में उसमें विजिट किया। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन भाई मेहरिया जी, अर्जुन दास आहुजा जी, इन्होंने भी यहाँ भेंट दी। और विशेष रूप से कुछ दिन पूर्व दिवाली के समय में हमारे बंटी भाई जलानी जी के दुकान के अंदर में भी इसी तरीके से आग लगी थी। देखने को यह आया है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर में पहले तो ऐसी दुर्घटना घटनी नहीं थी, इसको कई लोगों को रोकना चाहिए, लेकिन अंधार लगने के बाद में जो दूसरे दिन हम देखते हैं व्यापारी भाइयों की तरफ से इंश्योरेंस नहीं रहता। मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस अति महत्वपूर्ण है। हर चीज के लिए इंश्योरेंस नहीं दे और जितना स्टॉक अपन रखते हैं लगभग उससे ज्यादा अमाउंट का कम से कम इंश्योरेंस अपन ने करना चाहिए।
मैं सभी से निवेदन करूंगा, बाद में का नुकसान को और इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत कम अमाउंट के अंदर भी अपन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो पक्का आप कंपल्सरी इंश्योरेंस कराइए, यही मैं निवेदन करता हूँ। ये इतनी दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटी है, इसका खंडन करता हूँ और पुलिस विभाग और महानगर पालिका ये इसके ऊपर से देखना चाहिए कि गलती किसकी हुई। ये तो जबरदस्ती व्यापारियों को तकलीफ देने का काम अगर डिपार्टमेंट करेगा तो उसका भी हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र में एक महिला को अपने पुरुष मित्र से पुरानी जान पहचान ने मुश्किल में डाल दिया। उससे पहले महिला से शारीरिक संबंध बनाए और फिर अवैध रिश्ते को जारी रखने के लिए दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर बदनामी की धमकी देने लगा। आरोपी का नाम उमरेड निवासी मनीष सजन तांबेकर बताया गया। इस मामले में मनीष और पीड़िता शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दोनों की शादियां अलग अलग हुई। दोनों के तीन तीन बच्चे भी है। पीड़िता अपना परिवार संभालने में व्यस्त हो गई। मनीष उमरेड में पान ठेला चलाता है। उसने बड़ी तलाश के बाद पीड़िता का मोबाइल नंबर पता किया और कॉल किया। कई वर्षों के बाद दोनों की बातचीत फिर शुरू हो गई। ऐसे में मनीष ने पीड़िता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने दबाव में इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद मनीष बार बार ऐसा प्रयास करने लगा और पीड़िता को अलग अलग जगह आने को कहने लगा। मना करने के बाद भी वह अपनी जिद से नहीं हटा तो पीड़िता ने अपने पति को सारी बात बताई। उसने भी मनीष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और अपनी हरकतें जारी रखी। स्थिति समझने के बजाय उसने पीड़िता पर पहले भी ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन जारी पर गए थे, अपो क्रमांक 800 374 दो मेल 354 506 नोंदी गुन्हा दाखल झाला। त्यातील फिर्यादी 31 वर्षाची आहे। ही आरोपीच्या घरी नोकर म्हणून काम करत होती, घरकाम करत होती, गुन्हे बंदी आणि बाकीचे सगळं स्वयंपाक पाणी हिचं काम करत होती। गेले अडीच महिने काम केल्यानंतर तिला तिचा जो पगार होता त्यासाठी ठरलेला पगार तिला देण्यात आला। तसंच तिचे त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याबाबत तिने काल पोलीस स्टेशन परिपत्रावरती तक्रार दिलेली आहे, गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। दिव्यांग समाज का दुर्लक्षित घटक है, जिनको मदद की आवश्यकता है, ये कहना है नागपुर के जिलाधिकारी आर विमला का, जो नागपुर के शंकर नगर स्थित मुकबधिर विद्यालय में विश्व विकलांग दिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोल रही थी। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला द्वारा उपस्थित लोगों का सम्मान किया गया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्धा जिले में सड़क हादसे काफी बढ़ रहे हैं। यातायात नियमों का पालन न करने पर लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। पिछले 3 वर्ष में वर्धा जिले में 1105 कुल दुर्घटनाएं घटी। इनमें 428 हादसे गंभीर बताए गए हैं। इन हादसों में करीब 474 की मौत हुई तो 1042 लोग घायल हुए। अनेक की जान तेज रफ्तार वाहन ले ली है। वर्धा जिले से नागपुर अमरावती महामार्ग, नागपुर हैदराबाद महामार्ग, बुटीबोरी तुलजापुर महामार्ग सहित जिला स्तर में 4-लेन सीमेंट मार्ग गुजरे हैं। इन मार्गों से दिनों दिन यातायात काफी बढ़ रहा है, परिणाम वश सड़क हादसे भी हो रहे हैं। हर दिन जिले के किसी न किसी हिस्से में सड़क दुर्घटना की खबर मिलती है। इसमें अधिकतम हादसे यातायात नियमों का पालन नहीं करने से दुर्घटना होने की जानकारी है। अनेक की जान तेज रफ्तार वाहन ने ली है। सीमेंट मार्ग पर मानो वाहन दौड़ने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में नियंत्रण खोकर वाहन धारक हादसे का शिकार हो रहे हैं। कुछ हादसे गलत दिशा से वाहन चलाने तथा संतुलन खोकर वाहन सड़क किनारे धंसने से घटे हैं। पिछले 3 वर्षों में जिले में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है। 2019 में अधिक हादसे हुए थे, इसकी तुलना में 2022 में हादसों की संख्या कम हुई थी।
परंतु वर्ष 2021 में पुनः सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है। जिले में ऐसे अनेक दुर्घटना स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। वर्धा जिले में पिछले 3 वर्ष में 428 हादसे गंभीर स्वरूप के घटे हैं। इसमें 2019 में 144, 2020 में 127 तथा 2021 में अब तक 157 हादसे हुए हैं। इन गंभीर हादसों में बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। गंभीर हादसों को ध्यान में रखते हुए वाहन धारकों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान परिवहन विभाग ने किया है। प्रशासन ने वैक्सीन को अनिवार्य करने के लिए शासकीय कर्मचारियों को पहले ही आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीन नहीं लेगा उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत 11 कर्मचारियों द्वारा वैक्सीन नहीं लेने पर उनका वेतन रोक दिया गया। नागपुर में वेतन रोकने का ये पहला मामला है। इससे अन्य विभागों के कर्मचारी जल्द से जल्द वैक्सीन लेने के लिए प्रवृत्त होंगे। कलेक्टर आर विमला ने टीकाकरण नहीं करने वालों को वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी कार्यालय में कुल 304 कर्मचारी कार्यरत है। इनमें से 11 कर्मचारियों ने कोरोना का टीका नहीं लगाया। प्रशासन ने इन कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 4 कर्मचारियों को हाल ही में कोरोना हुआ था, इसीलिए उनका टीकाकरण नहीं हुआ है। अन्य 7 कर्मचारियों को विभिन्न बीमारियां हैं। उन्होंने बताया था कि चिकित्सा कारणों से टीका नहीं लगाया गया। उन्हें एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया और 4 अन्य कर्मचारियों ने टीकाकरण कराने की बात कही है। टीकाकरण के बाद उनकी सैलरी होने वाली है। सूत्रों ने बताया कि संजय गांधी निराधार योजना विभाग के कर्मचारियों का वेतन भी जानकारी के अभाव में रोक दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान ने एक यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। घटना 29 नवंबर की बताई जा रही है, जिसमें जवान ने अपनी जान पर खेलकर महिला यात्री की जान बचाई। नागपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ड्यूटी पर तैनात एक जवान की बहादुरी ने एक यात्री को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। बहादुर आरपीएफ जवान का नाम आरक्षक दीपचंद पटेल है, जिसने 60 वर्षीय रेल यात्री करण भाटिया जब रेल पकड़ने के लिए चढ़ रहे थे तभी उनका संतुलन बिगड़ जाने से वो फिसल गए, जिसे देख ड्यूटी पर तैनात जवान ने उन्हें अपनी चतुराई से बचा लिया। मैं आरक्षक दीपचंद पटेल आरपीएफ थाना नागपुर आज दिनांक 29 नवंबर 2021 को प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर ट्रेन क्रमांक 12833 आकर रुकी। बाद में लगभग 18 बजे गंतव्य स्टेशन के लिए रवाना हुई। उसी दौरान चलती ट्रेन में पीछे के जनरल कोच में एक यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश किया, परंतु फिसल जाने के कारण वह प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच में आ गया। मैं तुरंत तीव्र गति से भागकर उस यात्री को अपनी ओर खींचा तथा उसकी जान बचाने में सहायता की। सभी यात्रियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास ना करें और अपनी जान जोखिम में ना डालें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी द्वारा नागपुर शहर में राज्य सरकार का निषेध किया गया। शहर के संविधान चौक पर शुक्रवार को विश्व विकलांग दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में विकलांगों पर किए जाने वाले मानसिक और आर्थिक अन्याय की मांग के लिए श्रीकांत भोगे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। सामाजिक स्थिति पाहता आणि शासनाची स्थिति पाहता या कळवणाने आमच्या दिव्यांगांना अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीत शासनाने त्याच्याकडे लक्ष न दिल्यामुळे अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीत अनेकांना दिवस काढावा लागले आहे। शासनाचं ज्या पद्धतीने आम्हाला मदत पाहिजे तिथं सोडा, पण शासनाचं आमच्या दिव्यांगाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेलं आहे। आता प्रत्येक गोष्टीचा जर का विचार केला, आज नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे पण ती पदं भरली जात नाही। त्याच्यातही मजा अशी असते की शासन त्याचा ॲडव्हान्टेज कसा घेतो, जाहिरात काढताना 30-40 पदांचे हे काढतं आणि त्याच्यात आमचं जे आरक्षण आहे हे त्याचे आकडेवारी जी आहे ती 36, 38, 50, 76 अशा पद्धतीने ती आकडेवारी वगैरे आहे, तर त्याच्यामुळे त्या पोस्ट भरल्याच जात नाही। दुसरी गोष्ट एक आहे की ज्या मुला म्हणजे आमच्या अपंगांना ज्या पद्धतीने पेन्शन मिळायला पाहिजे, तर एक तर या कालावधीत पेन्शन टोटली पुष्कांना मिळाली नाही, 6-6 महिने पेन्शन मिळत नाही, ती पेन्शन मिळत नाही त्याच्यामुळे त्यांची जी परिस्थिती होते त्याच्याकडेही शासनाचं लक्ष देत नाही। या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टीचा जर का आपण आढावा घेतला तर शासनाचं किती दुर्लक्ष आहे। आणि शासनापेक्षा आता काही ठिकाणी महानगरपालिकेत वगैरे जो फंड आमच्याकरता 5%
फंड राखून ठेवावा लागतो. प्रत्येक नगर परिषद असो, जिल्हा परिषद असो, गव्हर्नमेंट शासनाचा कोणताही विभाग असो, तर त्या 5% जो फंड आहे त्याचा सदुपयोग होत नाही आहे. त्याचा ज्या विकलांगांना किंवा ज्या अंध लोकांना किंवा आमच्या लोकांना व्यवसायाच्या दृष्टीने मदत व्हायला पाहिजे, तर ती त्याची पद्धती इतकी विचित्र आहे की काही लोक तो पैसा घेऊन त्या ॲप्लिकेशन घेतात. आणि नागपूर महानगरपालिकेतली एक गोष्ट घडलेली आहे, अशा अनेक गोष्टी घडतात. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्याच्याकडे शासनाचं, आणि त्याच्यानंतर हे कोटेशन मागतात. कोटेशनमध्ये काय होतं की ती जी कंपनी ज्यांचं कोटेशन आहे ते घेतात, त्यांना पैसे देऊन देतात, ती वस्तू तो व्यवसाय त्या अपंगाला करता येत नाही, होत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टीवर कुठंतरी बंधनं पाहिजे. व्यवस्थित पद्धतीने कॉम्प्युटराईज प्रोसेस आहे सगळं आहे, तर डिजिटल प्रोसेस आहे, तर ह्या गोष्टी म्हणजे एकाला तीन तीन गोष्टी मदत होते आणि एकाला काहीच मिळत नाही. ह्याकडे खूप लक्ष द्यायला पाहिजे. अनेक गोष्टी मला सांगता येतील, आता एवढं आहे. आणि म्हणून शासनाचा निषेध. आज जागतिक अपंग दिवस आहे, जागतिक अपंग दिवसाचा विचार करून शासनाने काहीतरी करायला पाहिजे होतं. इथं कुठंच काहीच दिसत. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.